सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। पीएम मोदी के डिग्री की डिटेल देने का आदेश रद्द। गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए जुर्माना लगाया। कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ भी मौजूद रहे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत पाक विभाजन को बताया कृत्रिम, बोले पाकिस्तानी भी ये कह रहे होंगे कि गलती हो गई है। रामनवमी पर हिंसा केस, स्मृति ईरानी ने ममता पर कसा तंज, बोली कब तक हिंदू समुदाय पर हमले करती रहेंगी ममता। सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी करेंगे कर्नाटक का चुनावी दौरा, कोलार में करेंगे रैली फिर जाएंगे वायनाड। सीएम योगी का ऐलान, यूपी से होगी चौथी औद्योगिक क्रांति का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हमारी ताकत है। यूपी में 30 पीपीएस अफसरों का ट्रांसफर, इंद्र प्रकाश सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त कानपुर की मिली जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अयोध्या का किया हवाई दौरा, बोले श्रीराम का आशीर्वाद लेने नहीं जा सका, सोचा दूर से ही दर्शन कर लूं। निकाय आरक्षण तय होते ही जोड़ तोड़ में जुटे नेता, जयंत के दरबार में पहुंचे पूर्व विधायक नवाजिश आलम। छह अप्रैल से भाजपा शुरू करेगी गांव चलो अभियान, क्षेत्रीय अध्यक्ष बोले सपा बसपा और कांग्रेस की नीतियों ने पिछड़ों को ठगने का काम किया। अमेरिका कनाडा बॉर्डर पर भारतीय परिवार समेत 8 के शव मिले, इनमें 2 बच्चे शामिल, गैर कानूनी तरह की नदी पार कर यूएस में घुस रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के डिप्टी असिस्टेंट ने जताई चिंता, कैंपबेल में बोली भारतीय सीमा पर चीन उकसाने में लगा है, संघर्ष में अमेरिका साथ दे। पाकिस्तान में सिख दुकानदार की हत्या, पेशावर में किराना कारोबारी की फायरिंग में मौत, एक दिन पहले हिंदू डॉक्टर का कत्ल हुआ था। पाकिस्तान के कराची में भगदड़ से 12 की मौत, गरीबों को फ्री राशन बांटने के दौरान हादसा, मरने वालों में 8 महिलाएं और 3 बच्चे। उत्तर कोरिया से खाने के बदले हथियार लेगा रूस, अमेरिका का दावा, डील करने जाएंगे रूसी अफसर, किम जोंग उन, देश में अनाज की कमी। श्रीलंका को 44 साल बाद खेलना पड़ेगा क्वालिफायर, न्यूजीलैंड से 3 मैच की वनडे सीरीज, 2-0 से हरा श्रीलंका। आईपीएल में गुजरात से लगातार 3रा मैच हारी चेन्नई, सीजन के पहले मुकाबले में टाइटंस ने 5 विकेट से हराए, गिल ने बनाए 63 रन। रेलवे हॉकी चैंपियनशिप में भुवनेश्वर विजेता आरसीएफ कपूरथला को 2-1 से हराकर जीती ट्रॉफी। एसएआई हॉस्टल के वॉशरूम में बनाया गया छात्रा का वीडियो, जांच कमेटी गठित, बेंगलुरु में 7 पढ़ने वाली लड़की पर आरोप, एफआईआर दर्ज। पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैचों पर आईसीसी में चर्चा नहीं, पीसीबी बोला हम केवल एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू पर चर्चा कर रहे हैं, वो भी एसीसी से। विश्रम रंग को लेकर सिद्धार्थ आनंद ने तोड़ी चुप्पी, बोले बैकग्राउंड के हिसाब से कलर अच्छा लगा, मंशा गलत नहीं थी। ब्रह्मास्त्र 2 और 3 की शूटिंग एक साथ होगी, अयान मुखर्जी बोले ब्रह्मास्त्र में कुछ गलतियां हुई थी, इस बार पहले की तरह फिल्म अच्छी लिखेंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर दिखे हॉलीवुड स्टार जिंदाया और टॉम हॉलैंड पहली बार एक साथ आए हैं, मुंबई फैंस पूछ रहे हैं इंडिया आने की वजह। ऑल ब्लैक लुक में गॉर्जियस दिखी नोरा फतेही, मुंबई एयरपोर्ट पर हुई स्पॉट, फैंस को
अंदाज ये पसंद। किसी का भाई किसी की जान का नया गाना किया गया रिलीज। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।